Hello students welcome back to Ashitij batch for iit jam 2023 this is your educator vishali and this is the third lecture of our cell biology series here we are going to cover protein trafficking in eukaryotic cell in the first lecture we have already covered structure of prokaryotes and eukaryotes in the second lecture we covered plasma membrane structure and function now proceeding to the third lecture that is protein trafficking in eukaryotic cell firstly as we know protein form a very important and significant part of our cell whether that is structural or functional in each and every role we can see the proteins so these form a very important part so we need to synthesize those proteins and also टेक देम टू देर प्रॉपर डेस्टिनेशन जहाँ पे वो काम करेंगे हमें प्रोटीन को सिंथेसाइज भी करना है और उस डेस्टिनेशन तक भी लेके जाना है जहाँ पे उस प्रोटीन का काम होगा तो ये जो पूरा प्रोसेस है जहाँ पे हम सिंथेसिस के बाद प्रोटीन को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं दैट इज प्रोटीन ट्रैफिकिंग जब हम प्रोटीन को उसके सिंथेटिक स्टेज जहां पे उसका सिंथेसिस कंप्लीट हो चुका है दैट इज राइबोसोम से उसकी फंक्शनल डेस्टिनेशन जहां पे प्रोटीन ने अपना काम करना है वहां तक लेके जाते हैं दैट इज प्रोटीन ट्रैफिकिंग विच इज द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर नाउ वी नो सो फर्स्टली द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर विल बी Co translational translocation, post translational translocation, insertion of membrane proteins, and finally vesicular transport. This topic is very important from every competitive exam point of view. So, let's start. We will start with basics, then we will move forward. As we know, ribosome. वो मशीनरी है जो आपके प्रोटीन्स को बनाती है राइबोसोम वो मशीनरी है प्रोटीन फैक्ट्री है आपकी सेल की जो आपके प्रोटीन्स को बनाती है सो वी हैव आर राइबोसोम दैट इज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल ठीक है आपके राइबोसोम में प्रोटीन बना दिए हैं ट्रांसलेशन करा दिए उनको कहां तक लेके जाना है उनकी डेस्टिनेशन तक लेके जाना है ठीक है तो वो हम करेंगे प्रोटीन ट्रैफिकिंग अगर आप देखो तो राइबोसोम की दो लोकेशंस होती हैं राइबोसोम की दो लोकेशंस होती हैं फर्स्टली या तो राइबोसोम अटैच होगा आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर योर राइबोसोम कैन बी अ पार्ट ऑफ रेड ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इट कुड बी फ्री साइटोसोलिक या तो आपका राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम होगा और कौन सी मेम्ब्रेन से बाउंड होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से बाउंड होगा या फिर दैट वुड बी फ्री साइटोसोलिक राइबोजोम डन तो राइबोसोम हमने देख लिया अब क्या कोई डिफरेंस है इस मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम और इस प्री साइटोसोलिक राइबोसोम में हांजी है दोनों में डिफरेंस है वो क्या है जो आपका जो आपका मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है जो आपका मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है वो कौन से प्रोटीन सिंथेसाइज कराता है वो उन प्रोटीन्स का सिंथेसिस कराता है जो एंडो सिस्टम का पार्ट है सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर एंडोमेंब्रेन सिस्टम एंडो मेंब्रेन सिस्टम अब दैट इज एंडोमेंब्रेन सिस्टम में कौन कौन आ गया ई आर कॉलजी लाइजोजोम्स एंडोजोम प्लाज्मा में प्रोटीन्स सिक्रिटरी प्रोटीन्स क्या होते हैं सिक्रेटरी प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो आपके सेल से सिक्रीट आउट होते हैं सेल के बाहर जाते हैं सिक्रीटरी प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो सेल एक्सटीरियर में जाते हैं सेल से बाहर जाते हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम क्या करता है उन प्रोटीन्स का सिंथेसिस कराता है जो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है दैट इज ई आर गोल्जी लाइजोजोम एंडोजोम प्लाज्मा सिक्रीटरी प्रोटीन्स ये सारे प्रोटीन्स आपका मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम बनाता है वहीं पे अगर हम बात करें फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम की तो ये कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस कराता है ये उन प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है जो या तो न्यूक्लियस में है या क्लोरोप्लास्ट में है आपके पर मर हैं साइटोसोलमर हैं, या फिर जो पेरीफेरर प्रोटीन है और पेरीफेर प्रोटीन भी वो वाले जो टूवर्ड्स साइटोसोल हैं। तो जो आपका फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम्स हैं वो उन प्रोटीन्स का सिंथेसिस कराता है जो न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट पर साइटोसोल या फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं और पेरिफेरल प्रोटीन्स भी वो प्रोटीन्स जो साइटोसोलिक पार्ट पर हैं ये होगा डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ किसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा है उसके बाद एक डिस्टिंक्शन जो है वो ये है कि जो आपका मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है वो फॉलो करता है को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन आपका मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम फॉलो करता है को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन अपने प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए है को साथ में इसी के साथ कौन सा वर्ड है ट्रांसलेशनल इसके साथ में ट्रांसलेशन के साथ में ये वो ट्रांसलोकेशन है जहां पे प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट उसके ट्रांसलेशन के साथ ही शुरू हो जाता है रिपीट कर रही हूँ को मींस साथ में किसके साथ में ट्रांसलेशन के साथ में तो ये वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या वो मेथड है प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का प्रोटीन ट्रैफिकिंग का जब प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट है अभी ट्रांसलेशन चल रहा है प्रोटीन पूरा नहीं बना उसके साथ ही ट्रांसलेशन के साथ ही प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाता है वहीं पे अगर हम बात करें ी साइटोसोलिक राइबोजोम्स की तो द्लीज फॉलो पोस्ट ट्रांसलेशनल बात हुए पोस्ट मीन्स बाद में तो इनमें जो ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होता है वो बाद में स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन के दैट मीन्स पहले ट्रांसलेशन को पूरा किया जाएगा प्रोटीन पूरा बनाया जाएगा उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया जाएगा सो दैट इज पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे तो अब हम शुरू करेंगे ये हमारा बेसिक हो गया राइबोसोम का अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले जिन्होंने प्रोटीन ट्रैफिकिंग को स्टडी करना शुरू किया तो प्रोटीन ट्रैफिकिंग सबसे पहले जो स्टडी uh, की गई थी दैट वाज यूजिंग सिक्रिटरी प्रोटीन्स द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी प्रोटीन ट्रैफिकिंग वॉज जॉर्ज पैलेट

सेल्स पर काम कर रहे थे अब क्वेश्चन आएगा स्पेसिफिकली पेनक्रियाटिक सेल ही क्यों पेनक्रियाटिक सेल इसलिए क्योंकि हमें पता है पेनक्रियाटिक सेल की जो सिक्रीशंस हैं उनका फाइनल लोकेशन स्मॉल इंटेस्टाइन है पेनक्रियाटिक सेल्स के जो प्रोटीन्स हैं वो पेनक्रियाटिक सेल्स में बन जाते हैं लेकिन एक्चुअल फंक्शन जहाँ करते हैं दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाने के लिए पेनक्रियाटिक सेल से बाहर आना पड़ेगा तो पेनक्रैटिक सेल्स के जो प्रोटीन है वो सिक्रेटरी प्रोटीन्स हैं मतलब अपनी सेल के बाहर काम करते हैं तो इन्होंने उन्हीं को टारगेट करते हुए पेनक्रैटिक सेल को यूज़ किया ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेदर इट इज़ अबाउट कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया गया या फिर कैसे इसका कंक्लूजन आया दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप जितने भी एक्सपेरिमेंट्स को समझेंगे with the course of time that will be used in experimental based questions so let's see what he actually did what he did Inone used radio labelled amino acid he used radio labelled amino acids क्या किया इन्होंने इन्होंने एक मीडियम पर पेनक्रियाटिक सेल को रखा और उन पेनक्रियाटिक सेल्स के साथ इन्होंने रेडियो लेबल्ड अमाइनो एसिड को रखा पेनक्रियाटिक सेल को रखा और उसके साथ रेडियो लेबल्ड अमाइनो एसिड को रखा अब रेडियो लेबल्ड अमाइनो एसिड को यूज करके सेल अपने प्रोटीन्स बनाएगा और जो वो प्रोटीन बनाएगा वो रेडियो लेबल्ड हो जाएंगे बिकॉज द अमाइनो एसिड रेडियो लेबल हो गए हैं तो जो प्रोटीन्स बनेंगे दैट विल ऑल्सो भी रेडियो लेबल्ड और आप ऑटो रेडियोग्राफी से उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं इन्होंने भी यही किया इन्होंने पेनक्रैटिक सेल को रेडियो लेबल्ड अमाइनो एसिड के साथ रखा तो जब इन्होंने ऑब्जर्व किया जब इन्होंने ऑब्जर्व किया इन्होंने जो रेडियो लेबल्ड प्रोटीन्स था उनको ई ER आर में देखा जब ऑब्जर्व किया गया प्रोटीन्स रेडियो लेबल्ड प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो सेल ने अभी अभी सिंथेसाइज किए इन्होंने रेडियो लेबल्ड प्रोटीन्स को ईआर ER में देखा उसके बाद उन्होंने इस मीडियम को चेंज करते हुए नॉन रेडियो लेबल अमाइनो एसिड में रख दिया और फिर दोबारा ऑब्जर्व किया जब इन्होंने थोड़ी देर बाद सेल को ऑब्जर्व किया तो ये रेडियो लेबल प्रोटीन थे ये इन्हें में दिखे फिर जब थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व किया नेक्स्ट रेडियो लेबल दिखे सिक्रिट्री वेसिकल्स में एंड फाइनली इनको ये जो प्रोटीन्स थे रेडियो लेबल प्रोटीन्स थे फाइनली इनको सेल एक्सटीरियर में दिखे दैट इज जब उन्होंने सिंथिसाइज कराए रेडियो लेबल प्रोटीन्स तो सबसे पहले रेडियो लेबल प्रोटीन्स दिखे ई आर में थोड़ी देर बाद गोल्जिय पारेटस में थोड़ी देर बाद सिक्रेटरी वेस्कल्स में एंड फाइनली टू द सेल एक्सटीरियर तो उन्होंने ये तो पता था कि पेनक्रियाटिक सेल हैं तो प्रोटीन सिक्रीट आउट होंगे ही होंगे तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूड किया इससे जॉर्ज पैलेट ने कंक्लूड किया कि सिक्रीटरी पाथवे सिक्रीटरी पाथवे That is, वो पाथवे जो आपके सिक्रेटरी प्रोटीन्स फॉलो करते हैं जिस पाथ के थ्रू सिक्रेटरी से फाइनलीरियन में जाते हैं वो कौन सा पाथवे है सबसे पहले प्रोटीन्स आर फाउंडल देसिकल्स and finally to the cell exterior that is इन्होंने secretory pathway को discover कर लिया उसके बाद ये discover किया गया कि जो lysosomes और endosomes के protein है वो इस pathway का part share करते हैं that is जो लाइवोम और एंडोजोम्स के प्रोटीन्स हैं वो ई आर और गॉल्जी तक जाते हैं और फाइनली अपनी डेस्टिनेशन तक चले जाते हैं और भी डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो इस पाथवे के अलोंग मूव करते हैं दैट इज क्या डिस्कवर किया गया प्रोटीन्स ऑफ एंडोजोम्स एंड Lysosomes move into ER, Golgi, and finally to their destination. दिस वॉज अबाउट जॉर्ज पैलेट जब उन्होंने सिक्रिटरी पाथ पे पढ़ा क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने रेडियो लेबल प्रोटीन थे वो दिखे एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम पर देन वो दिखे गॉलजी में

प्रोटीन सबको सबसे पहले ई ER में आना है तो ई ER आर तक ये वाले जो आपके प्रोटीन्स हैं है आपके सिंथेसाइज्ड ऑन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम फर्स्टली सबसे पहले कहाँ आएंगे सबसे पहले ये आएंगे प्लाज्मा में सबसे पहले ये आएंगे ई ER आर में सबसे पहले कहाँ आएंगे ई ER आर में तो जब हम बात करते हैं दैट इज को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले कहाँ पर लाएँगे ई आर ER पर लाएंगे तो मेमेलियन सेल में मोस्टली जो प्रोटीन्स होते हैं वो को ट्रांसलेशनली मूव करते हैं लेकिन कुछ प्रोटीन जो हैं वो पोस्ट ट्रांसलेशनली भी मूव करते हैं कुछ प्रोटीन्स पोस्ट ट्रांसलेशनली भी जाते हैं मैं रिपीट कर रही हूँ मेमेलियन सेल में मोस्टली ई आर में जाने वाले प्रोटीन मेमेलियन सेल में मोस्टली ई आर में जाने वाले प्रोटीन को ट्रांसलेशनल पाथवे से जाते हैं लेकिन कुछ प्रोटीन्स इन मेमेलियन सेल एंड सम प्रोटीन्स ऑफ यीस्ट सेल कुछ प्रोटीन्स यीस्ट सेल के पोस्ट ट्रांसलेशन से भी ई ER आर में जाते हैं क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बोला कि जो भी प्लाज्मा मेमलेसिक्रिट्री एंडोजोम लाइजोजोम के प्रोटीन्स हैं वो को ट्रांसलेशनल पाथवे फॉलो करते हैं लेकिन आपको याद रखना है कुछ प्रोटीन्स, ER में जाने के लिए पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे को भी यूज करते हैं लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशनल पाथवे तो आपको क्या क्या पता है अभी तक को ट्रांसलेशनल पाथवे के को ट्रांसलेशनल पाथवे की अगर हम बात करें तो को मीन्स साथ में किसके साथ में ट्रांसलेशन के साथ में प्रोटीन्स एंटर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलोंग विद ट्रांसलेशन मतलब अभी ट्रांसलेशन हो रहा है प्रोटीन का पूरा सिंथेसिस नहीं हुआ है उससे पहले ही प्रोटीन ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाता है प्रोटीन की एंट्री ईआर में स्टार्ट हो जाती है प्रोटीन की एंट्री ईआर में स्टार्ट हो जाती है ट्रांसलेशन के साथ साथ किन राइबोसोम्स के लिए है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स पर आपको को ट्रांसलेशनल पाथवे देने को मिलता है किन प्रोटीन्स के लिए है जो एंडोमेंब्रेन सिस्टम के प्रोटीन है एंडोमेंब्रेन सिस्टम के जो प्रोटीन है दैट इज ई आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइजोजोम्स एंडोजोम्स और सिक्रिटरी प्रोटीन्स के लिए आपको को ट्रांसलेशनल पाथवे देखने को मिलता है अब मैकेनिज्म पढ़ेंगे को ट्रांसलेशनल पाथवे का उसके स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है या फिर फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम है दोनों पहले साइटोसोल में ही प्रेजेंट होते हैं रिपीट कर रही हूँ मैं अगर मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है या फिर साइटोसोलिक राइबोसोम है दोनों ही पहले जो होते हैं आपके साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं इसलिए जो सबसे पहला स्टेप है आपका जो सबसे पहला स्टेप है आपका को ट्रांसलेशनल पाथवे का जो पहला पहला स्टेप है आपका को ट्रांसलेशनल पाथवे का वो यही है अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम टू ईआर। फर्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट ऑफ राइबोजोम टू ई आर द्लाज्मिक रेटिकुलम तो आपके दिमाग में सबसे पहले यह आएगा राइबोसोम में कुछ प्रेजेंट होगा तभी तो वो ई ER आर तक जाएगा बट ऐसा कुछ नहीं है आपके राइबोसोम को ई ER आर तक ले जाने के लिए राइबोसोम के पास कुछ नहीं है राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा वो प्रोटीन खुद डिसाइड करेगा कि राइबोसोम को ईआर तक जाना भी है या नहीं जाना राइबोसोम खुद डिसाइड नहीं कर सकता कि उसे ईआर तक जाना है या नहीं जाना राइबोसोम जो प्रोटीन ट्रांसलेट करता है सिंथेसाइज करता है वो डिसाइड करता है कि राइबोसोम को ईआर तक जाना है या नहीं जाना सो तो, रहा आपका राइबोसोम और ये रहा आपका प्रोटीन क्या है प्रोटीन के पास जो बताएगा कि जाना है या नहीं जाना प्रोटीन के पास एक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है प्रोटीन के पास एक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है जिसको हम बोलते हैं सिग्नल सीक्वेंस प्रोटीन के पास एक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है जिसे हम बोलते हैं सिग्नल सीक्वेंस और ये सीक्वेंस बताता है राइबोसोम को कि इसको ईआर ER से जाके अटैच होना है तो क्या काम करता है सिग्नल सीक्वेंस क्या है गाइड करता है राइबोसोम टू ईआर कैसा है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड का बना होता है ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव अमाइनो एसिड का बना है एंड फाइनली एन टर्मिनस पे प्रेजेंट होता है और एक और प्रॉपर्टी है क्लीवेबल है सिग्नल सीक्वेंस सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स का इस पर प्रेजेंट है न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन्स पर प्रेजेंट है गाइड करता है राइबोसोम को ईआर तक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स का बना है बीस से पच्चीस अमाइनो एसिड्स का बना है एंड टर्मिनस पे प्रेजेंट है और क्लीवेबल है बाय सिग्नल पेप्टिडेज And इसी के साथ दिस इज़ वेरी सिग्नल सीक्वेंस की जितनी भी करेक्टर सब अच्छे से पता होनी चाहिए याद रहनी चाहिए ठीक है सिग्नल सीक्वेंस आ गया अब सिग्नल सीक्वेंस कैसे गाइड करता है आपके सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है दिस इज अ फर्स्ट स्टेप आपके सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है एस आर पी सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल दैट इज एस आर पी एस आर पी क्या करता है ये एस आर पी ये एस आर पी ये आपकी ई ER आर है ER पर प्रेजेंट है एस आर पी रिसेप्टर ई आर पर प्रेजेंट है एस आर पी रिसेप्टर और ये जो आपका सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है राइबोसोम को लेके आता है एस आर पी रिसेप्टर तक सबसे पहले सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल क्या करता है रिकोगनाइज करता है सिग्नल सीक्वेंस को और फिर इसको लेके आता है एस आर पी रिसेप्टर तक इससे रिलेटेड आपको एक बात याद रखनी है जैसे ही जैसे ही आपका सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल सिग्नल सीक्वेंस को बाइंड करता है यहां पर ट्रांसलेशन होल्ट हो जाती है एस आर पी के सिग्नल सीक्वेंस पर बाइंड होते ही ट्रांसलेशन होल्ड हो जाती है और एस आर पी रिसेप्टर तक लेके आया आपका एस आर पी पार्टिकल एस आर पी लेके आया आपको राइबोसोम को एस आर पी रिसेप्टर तक ठीक है इसके बाद इसके बाद क्या होता है इसके बाद होता है जी टी पी हाइड्रोलिसिस जीटीपी हाइड्रोलिस होते ही एस आर पी रिमूव हो जाता है एस आर पी रिमूव हो जाता है आपके सिग्नल सीक्वेंस से एंड जो आपका प्रोटीन है प्रोटीन एंटर्स ट्रांसलोकोन एक बार देख लेते हैं इस स्लाइड में हमने कहाँ तक मैकेनिज्म पढ़ा है देखो सबसे पहले राइबोसोम के पास खुद का कुछ नहीं है जो उसको लेके जाए ईआर तक राइबोसोम को ईआर तक ले जाने वाला हमारा सिग्नल सीक्वेंस जो आपके न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन पर प्रेजेंट होता है इसको रिकॉग्नाइज करता है एसआरपी सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल जो क्या करता है प्रोटीन को राइबोसोम को लेके आता है एस रिसेप्टर जो की प्रेजेंट है एआर ER के ऊपर क्योंकि प्रोटीन को एआर ER के अंदर जाना है। जीटीपी हाइड्रोलाइसिस होता है जिसके साथ एसआरपी रिमूव हो जाता है। एसआरपी के रिमूव होते ही प्रोटीन ट्रांसलोकोन के अंदर चला जाता है एंड ट्रांसलेशन रिज्यूम हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है ये ट्रांसलोकोन है क्या? ये ट्रांसलोकोन ये ट्रांसलोकोन आपका मेंब्रेन का चैनल है मेम्ब्रेन चैनल है मेम्ब्रेन चैनल है और इस चैनल के थ्रू आपका जो प्रोटीन है वो एंटर करता है ईआर के अंदर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलोकोन जो आपका न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है वो ई आर ल्यूमन में एंटर करता है विद्यूमन ER में अब इसको ठीक है हमने एंट्री तो दिला दी लेकिन फाइनली पूरा प्रोटीन जो है वो ल्यूमन में कैसे पहुंचता है आपको पता है ट्रांसलेशन कंटिन्यू हो चुकी है ट्रांसलेशन रिज्यूम हो चुकी है तो जैसे जैसे ट्रांसलेशन होगी जैसे जैसे ट्रांसलेशन होगी वैसे वैसे जो आपका प्रोटीन है उसकी लेंथ बढ़ेगी एंड लेंथ बढ़ने से एक फोर्स जनरेट होता है जैसे जैसे ट्रांसलेशन प्रोसीड करती है लेंथ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड इंक्रीजेस और उसकी लेंथ बढ़ने से एक फोर्स जनरेट होता है जो पुश करता है आपका प्रोटीन को इनटू द ईआर द्यूमन बिकॉज बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन अ फोर्स इज जनरेटेड दैट pushes polypeptide into er lumen now and finally jo aapka signal sequence hai usko signal peptidase cleave kar denge hum shuru se dekhenge hua kya co translation transport क्या है? सबसे पहले co translation ट्रांसपोर्ट वो ट्रैफिकिंग है प्रोटीन की जो शुरू होती है जब प्रोटीन अभी सिंथेसाइज़ हो रहा है ट्रांसलेशन हो रही है उसके साथ ही प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ईआर में स्टार्ट हो जाता है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स पर होता है और एंडो सिस्टम के प्रोटीन्स बना बनाने के लिए होता है तो कैसे होता है सबसे पहले वेदर आपका प्रोटीन जो आपका राइबोसोम है वो साइटोसोलिक है या मेम्ब्रेन बाउंड है प्रेजेंट वो साइटोसोल में ही होता है इसलिए को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट फर्स्ट स्टेप होता है अटैचमेंट ऑफ राइबोजोम टू द ईआर लेकिन राइबोसोम के पास कोई सिग्नल नहीं है जो उसको ईआर ER तक ले जाए उसके लिए उसको चाहिए होता है सिग्नल सीक्वेंस कहाँ पे प्रेजेंट होता है सिग्नल सीक्वेंस जो आपका न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है उसके ऊपर आपका सिग्नल सीक्वेंस होता है सिग्नल सीकोग सिग्नल सिक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल और सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल के बाइंड होते ही ट्रांसलेशन होल्ट हो जाती है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल राइबोसोम को लेकर आता है एस आर पी रिसेप्टर तक जो कि ई आर है। फाइनली एक जी टी पी होता है जिसकी वजह से एस आर पी जो है वो रिमूव हो जाता है एस आर पी के रिमूव होते ही ट्रांसलेशन रिज्यूम हो जाती है और प्रोटीन एंटर करता है ट्रांसलोकोन में एंड ट्रांसलोकोन एक मेम्ब्रेन चैनल है जिसकी वजह से प्रोटीन ईआर ल्यूमन में एंटर करता है नाउ एंटर होने के बाद स्टार्ट हो गई एंट्री लेकिन जब ट्रांसलेशन चल रही होती है तो प्रोटीन की लेंथ कंटिन्यूसली बढ़ रही है और उसकी लेंथ बढ़ने से एक फोर्स जनरेट होता है जो पुश करता है आपके प्रोटीन को इनटू द ईआर ल्यूमन ये जो आपको मैंने यहाँ पे बताया अ फोर्स इज जनरेटेड दैट पॉलीपेप्टाइड इनटू ईआर ल्यूमन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपको को ट्रांसलेशनल या फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल के बीच में डिफरेंस आएगा ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आएंगी वहाँ पे ये पॉइंट इंक्लूड किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है को ट्रांसलेशन में पॉलीपेप्टाइड चेन की लेंथ इंक्रीज होने से फोर्स जनरेट होता है जो ईयल्यूमन e में पुश करता है एंड दिस इज द डायग्नामेटिक रिप्रेजेंटेशन Of co translational targeting of secretory proteins. Here we have our signal sequence. It is recognized by signal recognition particle attaching it to signal recognition SRP particle receptor. And then the movement has started. Here we have. सिग्नल पैप्टीडेज जिसने इसको क्लीव करके फाइनली इमन ER में एंट्री दिला दी दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन्स अब ये तो बात हो गई उन प्रोटीन्स की जिनको ईआरल्यूमन ER के अंदर जाना है ईआर्यूमन ER के अंदर जाएंगे गोल्जी ल्यूमन के अंदर जाएंगे फिर वेसिकल्स में पैक होकर बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी तो हैं जो मेम्ब्रेन्स पर प्रेजेंट हैं कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन्स पर प्रेजेंट हैं तो उनको कैसे इंसर्ट किया जाता है मेम्ब्रेन के अंदर एक चीज याद रखोगे अगर प्रोटीन्स ल्यूमन में फंक्शनल हैं तो वो ई ल्यूमन के अंदर आएंगे लेकिन अगर वो प्रोटीन्स मेमब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं तो वो ई आर मेम्ब्रेन के अंदर ही जाएंगे और फिर मेम्ब्रेन्स के थ्रू ही वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे क्या बोला मैंने यहां पे इफ प्रोटीन्स आर फंक्शनल इन ल्यूमन अगर ल्यूमन में फंक्शनल हैं देन कहाँ एंटर करते हैं ई आर ल्यूमन में एंटर करते हैं लेकिन अगर प्रोटीन्स इफ प्रोटींस आर फंक्शनल इन मेम्ब्रेन तो वो एंटर करेंगे ई आर मेंब्रेन में और मेम्ब्रेन से ही मेमब्रेन के थ्रू ही उनका ट्रांसपोर्ट होगा ये वाले प्रोटीन्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कभी भी ई आर ल्यूमन में एंटर नहीं करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है अगर ल्यूमन के प्रोटीन्स हैं लाइसोसोम ल्यूमन में है या एंडोसोम ल्यूमन में है तो ही वो ई आर ल्यूमन में एंटर करेंगे वरना नहीं कर सकते मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन इसी के साथ हम देखेंगे कि हमारे जो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं इनको मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट कैसे किया जाता है दैट इज इंसर्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैसे होता है सिग्नल सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस पता चल गया सिग्नल सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस क्या है इन शॉर्ट एंड क्रिस्प सिग्नल सीक्वेंस का काम है आपके प्रोटीन को ईआर आर ल्यूमन तक लाना ईआर ER तक लेके आना ले आएगा ठीक है अब एक बात बताओ प्रोटीन को मेम्ब्रेन ईआर मेम्ब्रेन में जाना है तो भी तो ईआर ER तक आना पड़ेगा ना सिग्नल सीक्वेंस का इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो आपके प्रोटीन को ई ER तक लेके आता है गुड वेरी गुड अब अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो भी तो ई ER तक आएगा ही आएगा ना दैट मीन्स मेम्ब्रेन प्रोटीन हो या ई ER ल्यूमन का प्रोटीन है सिग्नल सीक्वेंस तो है ही और अगर पिछला लेक्चर देखा होगा जिसमें इंटीग्रल प्रोटीन्स बताए गए हैं तो यह भी पता होगा कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर कैसे अटैच होते हैं याद होना चाहिए अगर पिछला लेक्चर देखा है तो इंटीग्रल प्रोटीन्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को इंसर्ट करने के लिए हमें चाहिए अल्फा हेलिकल हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस देखो ये रही आपकी मेंब्रेन और ये रहा आपका प्रोटीन तो इसको मेंब्रेन के अंदर एंकर करने के लिए क्या चाहिए एल्फा हेलिकल हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस चाहिए जो आपका ये रहा और इसको ईआर ER तक लाने के लिए क्या चाहिए सिग्नल सीक्वेंस तो इंसर्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में दो इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस काम करते हैं एक है सिग्नल सीक्वेंस और दूसरा आपका है टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस मेम्ब्रेन प्रोटीन को मेम्ब्रेन में इंसर्ट करने के लिए दो तो सीक्वेंसेस की जरूरत है दैट इज सिग्नल सीक्वेंस जिसकी प्रॉपर्टी सेम है कोई डिस्टिंक्शन नहीं है सेम प्रॉपर्टीज है जो हमने पहले पढ़ी है सिग्नल सीक्वेंस चाहिए और तीसरा सीक्वेंस चाहिए स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस सिग्नल सीक्वेंस वही काम करेगा आपके प्रोटीन को ईआर तक लेके जाएगा लेकिन स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस क्या करेगा ये आपके प्रोटीन को मेम्ब्रेन में इंसर्ट करेगा दो सीक्वेंस रोल प्ले करते हैं और हमने पढ़ा सिग्नल सीक्वेंस क्लीवेबल है वो हो सकता है लेकिन इस केस में जब आप मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात कर रहे हो तो कुछ नॉन क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंस भी होते हैं जनरली जो आपने पढ़ा कि सिग्नल सीक्वेंस क्लीवेबल होता है इसमें एक एक्सेप्शन है सम बल सिग्नल सीक्वेंसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट और ये जो सीक्वेंसेस आपको याद रखने हैं कि ये वाले सीक्वेंसेस जो नॉन क्लीवेबल हैं वो प्रोटीन के एंड टर्मिल्स पे नहीं होते इंटरनल पार्ट में प्रेजेंट होते ये प्लीज याद रखेगा मेंब्रेन प्रोटीन में कुछ सिग्नल सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो क्लीवेबल नहीं हैं और अगर क्लीवेबल नहीं है तो वो प्रोटीन के इंटरनल पार्ट में प्रेजेंट है एंड टर्मिनस पे प्रेजेंट नहीं है दो सीक्वेंसेस का रोल हो गया डायग्राम के थ्रू देखेंगे दिस इज योर इंसर्शन ऑफ मेमब्रेन प्रोटीन पे आपको दिख रहा है सिग्नल सीक्वेंस सिग्नल सीक्वेंस क्या करेगा लेके आएगा आपके प्रोटीन को ER तक उसके बाद ये रहा आपका ट्रांसफर सीक्वेंस इज़ योर टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस जो आपके प्रोटीन को इंसर्ट करता है फाइनली क्या होता है ये जो आप चैनल देख रहे हो

आर ER तक लेके आता है और स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस स्टॉप रोक रहा है क्या कर रहा है ट्रांसफर को रोक रहा है कौन सा ट्रांसफर प्रोटीन के ट्रांसफर को स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस क्या करता है आपके प्रोटीन को मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट करता है यहीं पे या यह हुआ सिग्नल सीक्वेंस लेके आया स्टॉप ट्रांसफर ने इंसर्ट कर दिया ट्रांसलोकोन यूनिट सेपरेट आउट हो जाती हैं एंड द प्रोटीन एंटर्स योर मेम्ब्रेन तो फाइनली आपका प्रोटीन ई ER आर तक सॉरी ई मेम्ब्रेन तक पहुंच गया है देखो इसमें एक चीज आपको याद रखनी है अगर प्रोटीन मल्टीपास प्रोटीन है मल्टीपास प्रोटीन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्रीवियस लेक्चर अगर मल्टीपास प्रोटीन है फ अ प्रोटीन इज मल्टीपास अगर आपका प्रोटीन मल्टीपास है मतलब एक से ज्यादा बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो उसके पास मल्टीपल सिग्नल सीक्वेंस और मल्टीपल टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस if a protein is multipass then it has multiple stop transfer and signal sequence so this is your case of membrane proteins next vesicular transport अब आपने देखा कि जो भी एंड्रोमेम्ब्रेन सिस्टम के वो प्रोटीन्स हैं वो ई ER तक आ चुके एवरी प्रोटीन ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हैज एंटर्ड योर ई आर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम ई आर टू गोल्जी जब हमें प्रोटीन को ई ER आर से गोल्जी तक लेके जाना है एंड गोल्जी से फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाना है ई ER आर से गोलजी और गोलजी से अब फाइनली अपनी अपनी डेस्टिनेशन तक लेके जाना है तो हम यूज करते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट ठीक है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे ईआर ER से गोलजी और फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए दैट मीन्स वेसिकल्स का यूज करेंगे तो जब हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं सारे के सारे प्रोटीन पहला क्या होगा ई में प्रोटीन्स आ गए ई में प्रोटीन्स को पैक किया जाएगा और उनको भेजा जाएगा गॉल जी में क्या किया जाएगा सॉर्टिंग की जाएगी और फिर पैकेजिंग की जाएगी एंड फाइनली डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट तो आप ये सोच सकते हो जो टैग लगाना है प्रोटीन को लाइसोसोम तक जाना है प्रोटीन को एंडोसोम तक जाना है प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाना है वो जो टैग लगेंगे एड्रेस टैग्स लगाने का काम कौन करता है सारे प्रोटीन को रख लेता है और उनको टैग लगा के फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचने का काम कराता है आपका गॉल्जी तो ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन जो हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट शुरू कर रहे हैं दिस इज योर ट्रांसलेशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ से वेसिकल बर्ड ऑफ हुए एंड जो आपके प्रोटीन हैं वो ई आर जी आई सी कंपार्टमेंट दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने वेसिकल्स में सारे प्रोटीन्स को पैक किया ईआरजीआईसी में भेजा उसके बाद वो प्रोटीन एंटर कर गए आपके गॉल्जी अपैरेटस में ठीक है अब क्या होने वाला है अब हमें देखनी है सॉर्टिंग दैट मींस, गोल्जी अपैरेटस को पहचानना है कि कौन से प्रोटीन को कहाँ भेजना है तो नाउ योर प्रोटीन हैज एंटर इन टू गोल्जी क्या करने वाला है गोल्जी अपेरेटिस इसकी सॉर्टिंग करने वाला है इसकी छानबीन करने वाला है कि कौन सा प्रोटीन इसका है इसके लिए क्या यूज करता है ये जो सॉर्टिंग है सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स ऑफ के लिए क्या यूज किया जाता है इसके लिए यूज किया जाता है टारगेटिंग सीक्वेंस टारगेटिंग सीक्वेंस हर सीक्वेंस का फंक्शन याद होना चाहिए टारगेटिंग सीक्वेंस बताता है गोलजी को कि कौन सा प्रोटीन कौन से कंपार्टमेंट का है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका सीक्वेंस यहां पे हम लिखेंगे टारगेटिंग सीक्वेंस और वो आपको बताएगा कि प्रोटीन की फाइनल डेस्टिनेशन क्या है जैसे अगर है रिट्रीवल सीक्वेंस अगर है रिट्रीवल सीक्वेंस वो बताता है प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है कि प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रखना आगे ट्रांसपोर्ट नहीं कर देना रिट्रीवल सीक्वेंस बताता है कि जो आपका प्रोटीन है वो ई ER आर का है अगर मैनो सिक्स फॉस्फेट का टैग लगा दिया अगर मैनो सिक्स फॉस्फेट जुड़ा हुआ है आपके प्रोटीन का तो वो बताता है जो आपका प्रोटीन है वो लाइजोजोम का है और अगर जनरली ऐसा होता है जो सिक्रेटरी प्रोटीन होते हैं ना उनपे कोई टैग ही नहीं होता कोई टैग नहीं होता या फिर एक अनज्शन है कि जो सिक्रेटरी प्रोटीन है उनकी करेक्ट फोल्डिंग बताती है कि प्रोटीन सिक्रेटरी है टरी प्रोटीन की करेक्ट फोल्डिंग बताती है कि जो प्रोटीन है वो सिक्रेटरी है तो यहाँ पे आपने तीन टैग्स दे थे देखिए जो बताते हैं गोलजी को कि प्रोटीन की डेस्टिनेशन क्या है अगर रिट्रीवल सीक्वेंस है वो ई ER का प्रोटीन है अगर मेनोसिक्स फॉस्फेट लगा हुआ है प्रोटीन के साथ दैट इज अजोजोमल प्रोटीन और अगर करेक्ट फोल्डिंग है दैट प्रोवाइड्स दैट इज सिक्रेटरी प्रोटीन रिट्रीवल सीक्वेंस या तो के डी ई एल होगा या फिर के के एक्स होगा दैट इज लाइज इन एस पार्ट एड ग या फिर लाइसिन लाइसिन रिपीट होंगे प्रोटीन में मैनो सिक्स फिर वेरी क्लियर करेक्ट फोल्डिंग इज क्लियर दिस पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिकली रिट्रीवल सीक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन वेरी नाइसली फ्रॉम दिस पार्ट अब मुझे इससे कुछ कंक्लूजन बताती हूँ आपको देखो इससे आपको पहली पहली चीज मैंने बता दिया टैग लग गया बता देगा इस destination तक जाना है सबसे पहले एक चीज याद रखनी है अगर प्रोटीन के ऊपर के लगा हुआ है इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रोटीन गोल्जी में नहीं जाएगा प्रोटीन के ऊपर के डी सीक्वेंस या फिर रिट्रीवल सीक्वेंस लगे होने का मतलब ये नहीं है कि वो गोल्जी में नहीं जाएगा के डी ई एल टैग्ड प्रोटीन अगर के डी ई एल टैग्ड प्रोटीन है तब भी पैकेज होता है वेसिकल्स में इन ई आर एन बाद में रिट्रीव किया जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी बाद में इसको रिट्रीव किया जाता है लेटर रिट्रीव फ्रॉम ई आर जी आई सी दैट इज एंडोप्लाज्मिक गोलजी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट से या फिर गोलजी से इसको रिट्रीव किया जाता है प्लीज याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है केडीईएल या फिर रिट्रीवल सीक्वेंस प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन ईआर ER से नहीं जाएगा प्रोटीन तब भी वेसिकल में पैकेज होगा गोलजी तक जाएगा अब वो रिट्रीव कहीं पे भी हो सकता है ईआर जीआईसी कंपार्टमेंट से भी रिसीव हो सकता है वापस या फिर गोलजी से भी। अब अगर नेक्स्ट बाय चेंजिंग द टैग्स कैन बी चेंज जैसे मैंने आपको बताया जैसे मैंने आपको बताया सिक्रिटरी प्रोटीन पे कोई टैग नहीं है अगर आप एक सिक्रिटरी प्रोटीन पे रिट्रीवल सीक्वेंस लगा दोगे अटैच कर दोगे प्रोटीन ई आर में रह जाएगा सिक्रीट आउट नहीं होगा सिमिलरली अगर आप के डी ई एल टैक्ड प्रोटीन को रिट्रीवल सीक्वेंस हटा दो के डी ई एल टैक्ड प्रोटीन से रिट्रीवल सीक्वेंस हटा दो वो सिक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से इसलिए मैंने पिछली स्लाइड में बोला कि आपको सारे टारगेटिंग सीक्वेंस याद होने चाहिए ताकि अगर इन केस मॉडिफाइड क्वेश्चन आए कि हमने ये सीक्वेंस हटा के ये अटैच कर दिया प्रोटीन कहाँ जाएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाओ एंड दीस टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर सिमिलरली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर विच टारगेटिंग सीक्वेंस इज यूज्ड वेयर तो अभी तक हमने लेट्स टेक अ समरी हमने तीन सीक्वेंसेस के बारे में बात करी आपने तीन सीक्वेंसेस की बात करी एक था आपका सिग्नल सीक्वेंस एक हमने बात करी स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस की एंड देन वी टॉक्ड अबाउट थर्ड सीक्वेंस दैट वाज टारगेटिंग सीक्वेंस तो तीनों के फंक्शंस देख लो एक बार दोबारा से इट विल हेल्प यू रिमेंबर दैट फर्स्टली सिग्नल सीक्वेंस क्या करता है लेके आता है राइबोसोम को आर ER तक सॉफ्ट ट्रांसफर सीक्वेंस क्या करता है एंकर प्रोटीन टू मेम्ब्रेन एंड फाइनली टारगेटिंग सीक्वेंस क्या करता है गॉल्जी से प्रोटीन को फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाता है तो ये बात हो गई आपके तीन सिक्वेंसेस जो हमने पढ़े नाउ अब इसके बाद आपको पढ़ना है आपके पास तीन टाइप्स ऑफ वेसिकल्स होते हैं गोल्जी से बड ऑफ होने वाले तीन टाइप्स ऑफ वेसिकल हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर देयर रोल्स गोल्जी से टाइप्स ऑफ वेसिकल्स वो वेसिकल्स जो आपके गॉल्जी से वड ऑफ होते हैं मतलब गॉल्जी से निकलते हैं और फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं वो तीन टाइप के हैं फर्स्ट इज फर्स्ट इज कोप वन अनदर वन इज कॉप टू एंड थर्ड वन इज क्लेथरिन टे और यहाँ पे कोप जो है सीओपी फॉर कोट प्रोटीन कोट प्रोटीन सबसे पहले थ्री टाइप्स ऑफ वेसिकल है कॉप वन कॉप टू और क्लेथरीन कोटेड कोप स्टैंड फॉर कोट प्रोटीन ये दोनों वो वेसिकल्स हैं जो कोट प्रोटीन की लेयर के साथ प्रेजेंट है और क्लेथरीन कोटेड में प्रोटीन जो है वेसिकल जो है उसके ऊपर क्लेथरिन की कोटिंग है कोप वन क्या करता है कोप वन पीछे की डायरेक्शन में जाता है पीछे की डायरेक्शन का मतलब क्या है ये आपका सीक्वेंस है सबसे पहले ई आर देन ई आर सिस आई सी एंड फाइनली ट्रांसगोलजी तो जो आपका कोप वन है वो पीछे की डायरेक्शन में काम करता है पीछे की डायरेक्शन का मतलब ये है या तो प्रोटीन को ट्रांस से ट्रांसगोलजी तक लेके जाएगा सिस से वापस ईआर तक लेके जाएगा ट्रांस ट्रांसगोलजी से सिस गोलजी तक लेके जाएगा सिस गोलजी से प्रोटीन को वापस ईआर तक लेके जाएगा या फिर ईआर e जीआईसी जो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है वहां से वापस ईआर तक लेके जाएगा रेट्रोग्रेड काम करता है पीछे की तरफ काम करता है ट्रांस गोलजी से सिस गोलजी तक लेके जाएगा पीछे लेके जा रहा है वापस या फिर सिस गोलजी से ईआर तक लेके जाएगा या फिर ईआर e जीआईसी से वापस ईआर किसके लिए काम कर रहा है इसके लिए काम कर रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रिट्रीवल का काम कर रहा है प्रोटीन को रिट्रीव करने का काम कर रहा है वहीं पे अगर हम बात करें यही सीक्वेंस मैं दोबारा लिख रही हूं तो अब कोप सेकंड का काम क्या है ये आपका आगे की तरफ लेके जाएगा ई e आर से ई आर जी आई सी से ई e आर से सिजगोल सिस से फ्रांस तो आगे की तरफ ले जाने का काम करता है आपका कोप सेकेंड फाइनली क्लेथरीन कोटेड जो होता है दैट फंक्शंस एंड फाइनली जो आपका क्लेथरीन कोटेड है ये क्या करता है ये आपका ट्रांसगोलजी से प्रोटीन्स को लेके जाता है एंडोजोम लाइजोजोम या फिर प्लांट वेक्यूल। लेट समराइज दिस जो वेसिकल्स गोल्जी से बड ऑफ होते हैं वो तीन टाइप्स के हैं कोप वन कोप टू कोटेड कोटेडी कोप स्टैंड वेसिकल को लेयर करते हैं कोप वन क्या करता है पीछे की तरफ काम करता है बैकवर्ड मूवमेंट शो करता है प्रोटीन को ट्रांसेगोल गोल्जी की तरफ लेके जाता है गोल्जी से प्रोटीन को वापस ईआर में लेके जाता है या फिर ई आर जी आई सी कंपार्टमेंट से वापस ई आर तक लेके जाता है तो अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा रिट्रीवल का काम कर रहा है प्रोटीन के सेकेंड कॉप्स टू की बात करें तो ये प्रोटीन को आगे की डायरेक्शन में लेके आता है ई आर से ई आर जी आई सी तक ई आर से सीजगोलजी फिर सिजगोलजी से ट्रांसगोलजी तक क्लेथरीन कोटेड की बात करूँ तो ये प्रोटीन को ट्रांसगोलजी से एंडोजोम लाइजोजोम या प्लांट वेक्योल्स तक लेके जाता है दिस आर द टाइप्स ऑफ Vesicles and remembering this is very important. Then we have जब हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं उसमें तीन चीजें होती हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में तीन चीजें होती हैं यहां पे आपको मैकेनिज्म नहीं याद करने यहां पे आपको जो जो प्रोटीन्स इस वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे होते हैं उनको याद रखना है उनके नाम को याद रखना है सबसे पहले वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में तीन चीजें होती हैं। क्या होता है सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल होता है वेसिकल फॉर्मेशन होता है उसके साथ वेसिकल की बडिंग होती है मतलब वेसिकल वेसिकल क्या करता है जो ट्रांसगोल उसे बड ऑफ होता है निकलता है एंड फाइनली वेसिकल जो टारगेट है उस पे जाके फ्यूज होता है तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में तीन चीजें होती हैं वेसिकल का बनना होता है उसके बाद वेसिकु वेसिकल का बडिंग होता है गोल्जी से बड ऑफ होना है वेसिकल को और फाइनली वेसिकल को अपने टारगेट पर जाके फ्यूज करना है तो जब हम रह... वेसिकल फॉर्मेशन की बात करते हैं वहाँ पे यूज होते हैं हमारे प्रोटीन रैस एंड रैन जब आप बात करते हो वेसिकल बडिंग की वहाँ पे यूज होता है ए आर एफ वन टू थ्री और वेसिकल फ्यूजन में काम करते हैं आपके स्नेयर प्रोटीन और रैप प्रोटीन एंड ये सारे प्रोटीन्स जो हैं ये जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन आपको मकैनिज़म्स नहीं पढ़ने बट आपको याद रखना है कि कौन सी स्टेज पे कौन सा प्रोटीन काम कर रहा है सबसे पहले सारे प्रोटीन्स जो यहाँ पे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं सारे के सारे जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं तो जब वेसिकल फॉर्मेशन होता है वहाँ पे रैस और रैन यूज़ किया जाता है जब वेसिकल बडिंग होती है वहाँ पे ए आर एफ वन टू थ्री यूज़ किया जाता है और फाइनली फ्यूजन में स्नेर प्रोटीन यूज़ होता है तो वेसिकल के ऊपर जो प्रोटीन होता है के ऊपर होता है एंड टारगेट जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसके ऊपर होता है एंड फॉर योर हेल्प आई डायग्राम हेयर जो थेटरिंग है मतलब अपनी डेस्टिनेशन तक लाने का काम कौन कर रहा है रैब एंड फाइनली फ्यूजन में हेल्प करता है स्नेयर प्रोटीन्स दिस इज अबाउट वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे भी एड किया गया है तो लेट्स समराइज़ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड हमने क्या क्या पढ़ा हमने स्टार्ट किया कि जो हमारा प्रोटीन है वो राइबोसोम तक राइबोसोम के ऊपर बनता है ठीक है अब राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है तो मेम्ब्रेन बाउंड किस लिए चाहिए मेम्ब्रेन बाउंड चाहिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के प्रोटीन के लिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम प्रोटीन के लिए और फ्री चाहिए ऑर्गिनल प्रोटीन्स के लिए फिर हमने देखा ये फॉलो करता है हमारा को ट्रांसलेशनल पाथवे और ये फॉलो करता है हमारा पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे ठीक है को ट्रांसलेशनल पाथवे में क्या पाथवे को ट्रांसलेशनल पाथवे का प्रोटीन जाएगा ई ER आर में ई ER आर से गोल्जी गोल्जी से जाएगा वेसिकल्स में एंड फाइनली अपनी डेस्टिनेशन ठीक है क्या करता है जर्नल सिस्टम यही है हमारा ईआर ER से गोल्जी गोलजी से वेसिकल एंड फाइनल डेस्टिनेशन आर ER तक क्या लाता है सिग्नल सीक्वेंस ई आर से गोल्जी क्या लेके जाता है vesicles, फिर vesicles की बात करूं, तो कौप कौप टू, and klathrin, जो उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाता तो दिस इज समराइजेशन ऑफ को ट्रांसलेशनल पाथवे जो हमने देखा अब हम आते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे इसके लिए पोस्ट मींस बाद में किसके बाद में जब प्रोटीन पूरा का पूरा बन चुका है तैयार हो चुका है उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करना इज पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे नाउ प्रोटीन प्रोटीन एंटर्स इट्स फाइनल डेस्टिनेशन आफ्टर ट्रांसलेशन होता क्या है जैसे ही प्रोटीन पूरा बन गया जब प्रोटीन पूरा सिंथेसाइज हो गया उसको साइटोसोल में रिलीज कर दिया जाता है जब उसको साइटोसोल में रिलीज करते हैं वहाँ पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो हैं, उस प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी लोकेशन न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट माइट्रोकॉनरे तक लेके जाते हैं कौन से ऑर्गेनिल्स के लिए काम करता है न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट पर ऑक्सीजोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया के लिए काम है कौन से राइबोसोम्स पर काम करता है फ्री राइबोसोम और अगर एक सिंपल सा व्यू बताऊं क्या होता है सिंपल व्यू बताऊं तो क्या होता है कंप्लीट ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन कंप्लीट होते ही प्रोटीन रिलीज्ड इनटू साइटोसोल साइटोसोल में प्रेजेंट है आपके रिसेप्टर्स जो प्रोटीन को लेके जाते हैं फाइनल ऑर्गेनेल सो दिस इज योर तो इसमें एक एडिशनल चीज़ है कि मेमेलियन सेल में मोस्टली जो आपके ई आर प्रोटीन्स हैं वो को ट्रांसलेशनली जाते हैं इन मेमेलियन सेल मोस्टली जो ई ER आर के प्रोटीन्स हैं या एंडो मेम्रेन सिस्टम के जो प्रोटीन्स हैं वो को ट्रांसलेशनली जाते हैं लेकिन ईस्ट सेल में ईस्ट सेल में पोस्ट ट्रांसलेशन को भी यूज किया जाता है प्लीज़ याद रखना कंफ्यूज हो जाओगे मोस्टली जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के प्रोटीन्स हैं वो को ट्रांसलेशनली जाते हैं लेकिन यीस्ट सेल में कुछ प्रोटीन्स पोस्ट ट्रांसलेशनली भी जाते हैं तो उनके लिए मैकेनिज्म थोड़ा अलग है अगर हम बात करें यहाँ पे भी मैं प्रोटीन को पोस्ट ट्रांसलेशनली पूरा प्रोटीन बन गया है इसमें एक चीज़ और याद रखनी है इसमें चैपरोन्स का बहुत बड़ा यूज होता है आपका जो पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट है उसमें चैपरोन्स का बहुत बड़ा यूज होता है चैपरोन्स क्या होते हैं चैपरोन्स प्रोटीन्स होते हैं जो दूसरे प्रोटीन को उनकी अनफोल्डेड स्टेट में स्टेबलाइज करते हैं चैपरोन्स वो प्रोटीन्स हैं जो दूसरे प्रोटीन्स को उनकी अनफोल्डेड स्टेट में स्टेबलाइज करते हैं और उनको करेक्टली फोल्ड होने में हेल्प करते हैं तो ये आपको याद रखना है कि पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट में इनका बहुत बड़ा यूज है तो अब मैं लेके आने वाली हूं पोस्ट ट्रांसलेशन से आपके प्रोटीन को ई ER तक इसमें क्या होने वाला है इसमें मैकेनिज्म सेम है सिग्नल सीक्वेंस ही यूज करेंगे बस यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे कोई सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल नहीं है यहाँ पे कोई एस आर पी नहीं है उसकी जगह पे यहां पे आपको देखने को मिलता है सेक सिक्सटी टू सेक सिक्सटी थ्री कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एस आर पी का काम करता है क्स सिक्सटी टू सेक्स सिक्सटी थ्री कॉम्प्लेक्स ये है आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल दिस इज योर पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन यहां पर आप देखोगे यह आपका कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन है कंप्लीट क्यों है क्योंकि ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है ट्रांसलेशन पे अटैच है चैपरों जो इस पोलीपैप्टाइट चेन को स्टेबलाइज कर रहे हैं प्रॉपरली उसके बाद सेक्स सिक्सटी टू सेक्स सिक्सटी थ्री कॉम्प्लेक्स है जो क्या करने वाला है जो आपके सिग्नल सीक्वेंस को रिकोगनाइज करता है देन थ्रू द ट्रांसलोकोन आपका जो प्रोटीन है वो ई आर ल्यूमन में एंटर कर जाता है इसी के साथ मैंने अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि प्लीज ये बात याद रखना को ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन से फोर्स जनरेट होता है लेकिन यहाँ पे तो ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है तो कैसे कैसे हम इ्यूमन e के इंटीरियर में लाने वाले हैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है पिप का पिप क्या है पिप इज अ चैपरॉन दैट पुश इज पॉलीपेप्टाइड इंटूआर तो क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे बिप एक चैपरॉन है क्योंकि फोर्स तो जनरेट कर नहीं पा रहे पिप एक चैपरॉन है जो पॉलीपेप्टाइड चेन को ईआर ER ल्यूमन के अंदर पुष्ट कर सो दिस इज वाई इस तरह से जो आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन है वो होता है अब मैंने बताया था दिस वॉज इनिशियली वेयर वी स्टार्टेड कि हमारे जो फ्री राइबोसोम्स के जो प्रोटीन्स हैं वो न्यूक्लियस माइट्रोकॉन्ड्रिय क्लोरोप्लास्ट और पर ऑक्सीजोम कैसे जाते हैं वो मैकेनिज्म हम देखेंगे फर्स्टली यहां पे भी टारगेटिंग सीक्वेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सी ये है आपका दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसलोकेशन माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसलोकेशन दैट इज साइटोसोल से प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसलोकेशन इज साइटोसोल मतलब राइबोसोम पे प्रोटीन पूरा बन चुका है साइटोसोल में रिलीज हो चुका है अब फाइनली वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा तो इसमें जो टारगेटिंग सीक्वेंस है दैट इज प्री सीक्वेंस टारगेटिंग सीक्वेंस जो यहां पे हम यूज करेंगे दैट इज प्री सीक्वेंस एंड प्लीज हम जो भी टारगेटिंग सीक्वेंस का नाम बोल रहे हैं वो याद रखना मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं टारगेटिंग सीक्वेंस कि अगर ये सीक्वेंस है तो कौन सा ऑर्गेनिल जाने वाला है प्रोटीन तो यहाँ पे जो टारगेटिंग सीक्वेंस है दैट इज प्री सीक्वेंस तो सी हमारे पास इन टोटल माइटोकॉन्ड्री में चार कंपार्टमेंट हैं जहां पे प्रोटीन जाएगा पहला कंपार्टमेंट आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दूसरा कंपार्टमेंट जो होता है वो ये होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड तीसरा कंपार्टमेंट जो होता है वो होता है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और फाइनली फोर्थ कंपार्टमेंट आपका मैट्रिक्स है वी हैव फोर कंपार्टमेंट्स जहां पे प्रोटीन जाएगा इन माइटोकॉन्ड्रिया तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाएगा या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएगा या फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सॉरी इंटर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाएगा या फिर मैट्रिक्स में जाएगा हमारे पास सीक्वेंस है प्री सीक्वेंस और हम प्रोटीन को लाएंगे मैट्रिक्स या फिर इनर मेम्ब्रेन पर मैट्रिक्स के लिए चाहिए प्री सीक्वेंस इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन के चलिए इंटर टारगेटिंग सीक्वेंस यहाँ पे है आपके ट्रांसलोकॉन आउटर मेम्ब्रेन के जो माइटोकॉन माइटोकॉन्ड्रे के आउटर मेम्ब्रेन के ट्रांसलोकोन्स हैं उन्हें हम बोलते हैं टोम के ट्रांसलोकोन हैं उन्हें बोलते हैं टोम और जो इनर है उन्हें बोलते हैं टिम सबसे पहले वेदर इट इज मैट्रिक्स चाहे वो मैट्रिक्स प्रोटीन है या वो इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन है दोनों टोम को क्रॉस करते हुए इनर जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहां पे एंटर करेंगे इनरिस्पेक्टिव प्रोटीन मैट्रिक्स का है या इनर मेम्ब्रेन का है दोनों टॉम को यूटिलाइज करते हुए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आएंगे वहां पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर तो मैट्रिक्स प्रोटीन है वो टिम ट्वेंटी थ्री को यूज करेगा मैट्रिक्स तक आने के लिए और अगर इनर मेम्ब्रेन का प्रोटीन है तो वो टिम 22 को यूज करेगा इनर मेम्ब्रेन तक आने के लिए शुरू से स्टार्ट करते हैं हमें दो कंपार्टमेंट में लाना है प्रोटीन को या तो मैट्रिक्स में लाना है या इनर मेम्ब्रेन में लाना है अगर मैट्रिक्स में लाना है तो प्री सीक्वेंस है और अगर इनर मेम्ब्रेन में लाना है तो इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस है इररिस्पेक्टिव कहां लोकेशन है दोनों टॉम को यूज करेंगे जो आउटर मेम्ब्रेन का ट्रांसलोकॉन है उसको यूज करेंगे और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इनका डिस्टिंक्शन होगा अगर मैट्रिक्स में जाना है तो टिम ट्वेंटी थ्री को यूज़ किया जाएगा दैट इज ऑल्सो अ ट्रांसलोकॉन और अगर इनर मेम्ब्रेन में जाना है देन इट इज टिम ट्वेंटी थ्री एंड फाइनली दे गेट इन टू द माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन वाला मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो गया मैट्रिक्स वाला मैट्रिक्स में आया जहां पे इसका प्री सीक्वेंस क्लीव किया गया प्री सीक्वेंस को क्लीव करते हुए फाइनल प्रोटीन मैट्रिक्स में पहुंच गया तो दिस इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसलोकेशन नेक्स्ट वी हैव दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट ट्रांसलोकेशन जो आपकी क्लोरोप्लास्ट ट्रांसलोकेशन है वो माइटोक्लोरियन से सिमिलर है यहाँ पे भी आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा उसे बोलते हैं ट्रांजियंट पेप्टाइड यहाँ पे जो टारगेटिंग सीक्वेंस है दैट इज ट्रांसिट पेप्टाइड यहां पे भी यहां पे इन टोटल डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं तो सबसे पहले आप देखोगे जो आउटर आउटर मेम्ब्रेन का ट्रांसलोकोन है आउटर मेम्ब्रेन का जो ट्रांसलोकोन है दैट इज टी ओ सी टॉक और जो इनर का है दैट इज टी आई सी टिक सिमिलरली टॉक को यूटिलाईज करते हुए प्रोटीन अंदर आएगा एंड फाइनली पहुंच जाएगा यहाँ पे स्ट्रोमा रीजन पे अगर तो स्टोमा रीजन का है याद रखना ये जब सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे स्टोमा टारगेटिंग डोमेन है ये प्रोटीन को कहाँ लेके आएगा स्टोमा के अंदर लेके आएगा वहाँ पे जब हम क्लीव करेंगे स्ट्रोमा टारगेटिंग डोमेन को क्लीव करते हुए प्रोटीन स्ट्रोमा में रह जाएगा लेकिन अगर स्ट्रोमा टारगेटिंग डोमेन को क्लीव करने के बाद मिल गया थाइलाकॉइड ट्रांसफर डोमेन मतलब आपका प्रोटीन कहाँ फंक्शनल है थाइलाकॉइड में फंक्शनल है तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा थाइलाकॉइड में इनिशियली हम क्या करने वाले हैं प्रोटीन को स्ट्रोमा तक लेके आएंगे जिसके लिए फंक्शनल है स्ट्रोमा टारगेटिंग डोमेन स्ट्रोमक तक पहुंचने के बाद क्योंकि स्ट्रोमा टारगेटिंग डोमेन का काम खत्म तो उसको क्लीव कर देंगे अगर क्लीव करने के बाद थाइलाकॉयड ट्रांसफर डोमेन दिख गया तो प्रोटीन थाइलाकॉयड में चला जाएगा नहीं तो प्रोटीन विल स्टे इन द स्ट्रोमा द प्रोटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास फॉर्म दोनों जो हैं वो सिमिलर मैकेजम्स को फॉलो करते हैं फॉर देयर ट्रांसफर नेक्स्ट वी हैव दिस दिस इज योर न्यूक्लियर ट्रांसलोकेशन स इसके टारगेटिंग सीक्वेंस को बोलते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो न्यूक्लियर ट्रांसलोकेशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका रैन का एंड रैन इज योर जी टी पी बाइंडिंग प्रोटीन जो आपका आपको न्यूक्लियर ट्रांसलोकेशन से चीजें दो याद रखनी है जी टी पी बाइंडिंग प्रोटीन जो इन्वॉल्व है दैट इज रैन और कौन सा सीक्वेंस है दैट इज एन एल एस और इससे रिलेटेड एक चीज याद रखनी है कि ये जो है लाइसिन और आर्जिन रिच होता है एन एस एन एल एस सीक्वेंस जो है वो एन टर्मिनल पे

ये जो आप यहां पे देख रहे हो दिस इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ये जो यहां पे कॉम्प्लेक्स बना प्रोटीन के साथ इसने जो आपका ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है उससे इंटरैक्ट किया और फाइनली एंटर कर गया आपके न्यूक्लियो प्लाज्म में न्यूक्लियो प्लाज्म एंटर करने के बाद रैन जीटीपी क्या करता है इस कॉम्प्लेक्स को एनएलएस इंपोर्टिंग एल्फा इंपोर्टिंग बीटा कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करता है करता करता है 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 आपके beta, ये आपका beta है. Import करता है, जो आपका जो उसको उसको लेके लेके बाहर बाहर आ जाता है. उसको nucleus से बाहर आ जाता जाता से और फाइनली एक्सपोर्टिंग क्या करता है आपके इंपोर्टिंग एल्फा को बाहर ले आता है. बिल्कुल सिंपल सा है अगर आप ध्यान से देखो न्यूक्लियस में ले जाने के लिए चाहिए न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल किसी भी प्रोटीन के ऊपर अगर बाइंड है, है, तो करते हैं बाइंड करने के बाद उनको न्यूक्लियो प्लाज्मे ले जाते हैं न्यूक्लियो प्लाज्मा रैन जीटीपी इनको तोड़ देता है तीनों को अलग अलग करता है इम्पोर्टिंग बीटा को लेकर बाहर आ जाता है न्यूक्लियस से और एक्सपोर्टिन जो होता है वो एल्फा को लेकर बाहर आ जाता है और प्रोटीन क्योंकि वो न्यूक्लियस का प्रोटीन था वो अंदर रह जाता तो दिस इज न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन ट्राफिकिंग हमने प्रोटीन को सिंथेसाइज़ कराया राइबोसोम पे और फाइनली उसको उनकी लोकेशन तक पहुंचा दिया तो दिस इज एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटीन ट्रैफिकिंग I will suggest because this topic is little complicated, you need to revise it again and again. aap jitni बार bhi isko revise karenge that would be very very essential. aur is jo major part hai protein trafficking, इसमें जितने भी sequences हैं, जितने भी proteins हैं, उन पे questions बहुत बनते हैं. बहुत theory based questions भी बनते हैं और experimental based भी बनते हैं. Conceptual भी हैं और direct questions भी हैं. So it's better to prepare this topic very nicely. So let's begin with a few questions. I will suggest upload video, pause current, question solve the ring and then come for the explanation. So let's begin. SRP selectively एस आर पी सिलेक्टिवली रिकोगनाइज ई आर सिग्नल सीक्वेंस और न्यूली सिंथिसाइज प्रोटीन दिस इज एन आउटकम ऑफ मैंने जब मार्क किया तो मैंने बहुत अच्छे से मार्क किया था कि जो ई आर सिग्नल सिक्वेंस है उसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है तो अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी याद हो तो आपने पढ़ा था दैट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स अगर आपको याद है कि ई आर सिग्नल सीक्वेंस हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स का बना है तो आपको पता होगा कौन सी इंटरेक्शन शो करेगा दैट वुड बी हाइड्रोफोबिक इंटरक्शन वेरी इंपॉर्टेंट और एक चीज और एस आर पी पार्टिकल से रिलेटेड दैट वॉज आपका जो एस आर पी पार्टिकल है उसमें आर एन ए भी होता है और प्रोटीन भी होते हैं एस आर पी पार्ट

डी ई एल रिट्री सीक्वेंस क्या कम करेगा रिट्रीवल ऑफ ल्यूमिनल प्रोटीन फ्रॉम द दी जो प्रोटीन्स आपके गॉल में चले गए हैं लेकिन थे ER के वो वापिस, ER में लाएगा आपका के डीएल इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट इन सेल्स थ्रू वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट इज रेगुलेटेड बाय विच फॉलोइंग रेगुलेशन इज डन बाय रैब कुछ नहीं पढ़ा रैन स्टडीड इन केस ऑफ स्टडीड रैन इन केस ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट एंड रैस दिन स्नेर याद कर लो प्लीज कौन सा प्रोटीन कहाँ काम कर रहा था स्नेर प्रोटीन आर फाउंड इन दिन ऑफ ऑल एक्सेप्ट याद हो स्नेर इज इन्वॉल्व इन वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट तो क्या वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में माइक्रोकॉन्डी इन्वॉल्व है नहीं तो स्नेयर प्रोटीन क्यों प्रेजेंट होगा तो योर स्नेयर प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट बतानी है प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो इनकरेक्ट है या करेक्ट कंटेन्स आ रहे प्रोटीन अभी बताया है ये बात इज अ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन खुद सोचो मेम्ब्रेन से अटैच्ड है एस आर पी सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल नहीं सो दिस इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट डॉक्स विद रिसेप्टर ऑन द सर्फेस ऑफ ईयर मेम्ब्रेन यही बताया था एस आर पी रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन ई आर मेम्ब्रेन बाइंड टू लोकलाइज लोकलाइजेशन सिग्नल एट द एंड टर्मिनल्स ऑफ द इमर्जिंग पोलिपेप्टाइट चेन सिग्नल सिक्वेंस से बाइंड करता है वेरी करेक्ट सो द ओनली इन करेक्ट स्टेटमेंट इज इट इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन ट्राफिकिंग आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट